नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई सी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा पावर का कंक्रीट होलसा। इसको होलसा बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा जो टूल है इस्तेमाल होता है एसी की पाइपिंग के समय। जैसे कि हम एसी फिट करते हैं तो वहाँ पर एसी की जो कॉपर पाइप होती है उसको और ड्रेन पाइप भी साथ में आ जाते कई बार, तो उसको हमें बाहर निकालना होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। हम जो अपना शहनी थोड़े के मदद से या ड्रिल मशीन के छोटे बर्मे की मदद से हॉल करते हैं तो काफ़ी इसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और देखने में भी पूरा अच्छा लगे। क्योंकि इसका जो शेप होती है बिल्कुल राउंड होती है, तो जो अपना हॉल होता है वो भी बिल्कुल राउंड शेप में आता है। बिल्कुल अच्छा राउंड शेप में हॉल होगा दीवार पर और कस्टमर भी खुश होगा। तो इससे हमें पैसे जब वो कस्टमर से मांगेंगे तो हमें आसानी से देगा, क्योंकि उसका जो काम है बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। तो हमेशा ही हम बेस्ट टूल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसके साथ हमें क्या क्या मिलेगा, कैसे इसको फिट करना है और कितनी इसकी लंबाई है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करें ताकि पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बॉक्स को ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन करेंगे और जो आपका भी टाइम जो है वेस्ट ना हो। इसके साथ हमें देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉक्स मिलेंगे अंदर, एक राउंड शेप में है और एक लॉन्ग शेप में है। तो इसके अंदर में क्या क्या मिलेगा ओपन करेंगे जल्दी से इसको। तो यहाँ पे इसको हम निकालेंगे बाहर। इसमें से हमें दो आइटम मिल रही हैं, एक ये काफ़ी लंबी रॉड है, इसको हम लगा देंगे नीचे एक स्पोर्ट। और इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें दोस्तों एक नट मिलेगा हमें और साथ में ये होल्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसको फिट कैसे करना है। फिट करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे इसको बिल्कुल हम ये जो कट लगा होता है यहाँ पर इसको हमने इस साइड रखना है। यहाँ पे ऐसे टेढ़ा नहीं फिट करना, बिल्कुल सीधा फिट करना है। तो ऐसे ही चला जाएगा अंदर और यहाँ पे हम इस नट को टाइट कर देंगे अच्छे से। तो ये नट हमारा हो गया है टाइट। तो अच्छे से हम इसको चाबी की मदद से, प्लास की मदद से टाइट कर देंगे तो टाइट ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर डालकर बस हल्का सा ऐसे टाइट कर देना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है काम करने के लिए। तो इसकी मैं आपको लंबाई दिखाना चाहता हूँ कि लंबाई कितनी है। और अगर आप ये मंगवाना चाहते हो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। तो इसकी जो लेंथ है ये पूरी 14 इंच है यहाँ तक, तो ये आराम से हमारा 12 इंच तो शेक हो ही जाएगा, क्योंकि इतना जो पार्ट है वो ड्रिल मशीन के अंदर चला जाएगा और बाकी पार्ट बाहर रहेगा। मतलब 12 इंच की अगर आपकी दीवार है, जैसे कि 9 इंच की दीवार होती है और प्लस्तर मिला के 11 से 10-11 के आसपास हो जाती है, तो आराम से आर बार शेक हो जाएगा। तो 9 इंच की दीवार में आसानी से शेक कर देगा। और इसकी जो गोलाई है वो ही आप दिखाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच है। वैसे हमारा जो काम है वो 2.5 इंची के आसपास हो जाता है एसी में, हम खुद एसी फिट करते हैं। तो आपको एसी फिटिंग के समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से ये शेक कर देगा। और ये आपका जो ड्रिल है वो 20 mm पे भी चल जाएगा ड्रिल मशीन पे। अगर 26 mm ड्रिल मशीन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आसानी से आपका जो हॉल कर देगा और आपको एसी फिटिंग में बहुत ही आसानी होगी। और इसका जो होल होता है बिल्कुल ही राउंड शेप में आता है, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। और इसके साथ ही बस इसमें बताने लायक इतना ही है, बाकी काफ़ी इसकी लेंथ लंबी है। मेरे पास पहले भी 2-3 हॉल से हैं, उनका साइज छोटा था इसलिए मैंने ये नया अभी ख़रीदा है। तो इससे हम हॉल करेंगे, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और आपको ये हॉल सा कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और अगर आप ये मंगवाना चाहते हो उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें।
अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।